अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम लर्न करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बेसिकली फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस है, जिसके अंदर इंडस्ट्री 1.0 है, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0 एंड लास्ट है इंडस्ट्री 4.0। ये सारी चीजें आती है फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। इंडस्ट्री 1.0 जिसमें मैकेनिज्म और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम एंड वाटर पावर है। सेकेंड है जिसमें मैस प्रोडक्शन असेंबली लाइंस है, यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन कंप्यूटर्स है, आईटी सिस्टम है, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें आती है इंडस्ट्री 3.0। लास्ट आती है इंडस्ट्री 4.0, स्मार्ट फैक्ट्री है, जिसके अंदर मशीन लर्निंग ये सारी चीजें मेंशनड है इसमें। ये जो है वो सेवरल एप्लीकेशंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। इंक्लूड फर्स्ट आती है रोबोटिक ऑटोमेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बीइंग यूज कर रहे हैं प्रोग्राम रोबोट्स परफॉर्म कर रहे हैं टास्क विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। ये रोबोट जो है वर्क कर रहे हैं अराउंड द क्लॉक विदाउट नीडिंग ब्रेक्स, हेल्पिंग मैन्युफैक्चरर्स इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस कर रहे हैं रिस्क ऑफ एरर्स। सेकेंड यहाँ पे डिस्कस किया गया प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। आप बेसिकली कलेक्ट कर रहे हैं डाटा फ्रॉम सेंसर्स प्रोडक्शन इक्विपमेंट पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है पैटर्न्स और प्रिडिक्ट कर रहा है जब इक्विपमेंट जो है वो लाइक टू फेल कर रहे हैं। ये जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट ये मेथड जो है वो हेल्प कर रहा होता है मैन्युफैक्चरर्स को और इम्प्रूव कर रहा होता है रिलायबिलिटी ऑफ देयर इक्विपमेंट एंड रिड्यूस कर रहा होता है डाउन टाइम। थर्ड आता है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अल्गोरिथम जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं डाटा डिफरेंट स्टेजेस प्रोडक्शन एंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं बॉटलनेक्स और इनएफिशिएंसीज। ये जो है वो हेल्प कर रहा होता है मैन्युफैक्चरर्स इंप्रूव कर रहा होता है फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड रिड्यूस कर रहा होता है वेस्ट। फोर्थ आता है क्वालिटी कंट्रोल। आप एनालाइज कर रहे हैं डाटा पास प्रोडक्शन रन से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्गोरिथम जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है पैटर्न्स को जिसके अंदर इंडिकेटिव ऑफ डिफेक्ट्स है और ये हेल्प दे रहा होता है मैन्युफैक्चरर्स को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई कर रहा होता है प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर रहा होता है फ्रॉम अकरिंग इन द फ्यूचर। फिफ्थ आता है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज करते हैं एनालाइज कर रहा होता है डाटा फ्रॉम द सप्लाई चेन, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट सेविंग एंड इम्प्रूव द फ्लो ऑफ मटीरियल्स के लिए। सिक्स आता है एनर्जी मैनेजमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प दे रहा होता है मैन्युफैक्चरर्स ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं एनर्जी कंजप्शन और आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर एनर्जी कन्वर्सेशन के लिए कन्वर्जन के लिए। सेवन आता है पर्सनलाइजेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज कर रहे हैं कस्टमाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए, इनेबल कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स जो ऑफर कर रहे हैं हायर लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन। एट आता है यहाँ पे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज कर रहे हैं फॉरकास्ट डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स के लिए, हेल्प दे रहा होता है मैन्युफैक्चरर्स को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है प्रोडक्शन को और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।